ये होने वाली है वो यामाहा की एक ऐसी बाइक से रिलेटेड होने वाली है जो कि अपने जमाने में लेजेंड रह चुकी है और आज भी ये बाइक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हो सकता है इस बाइक का आप लोगों को बहुत ही जल्दी फेसलिफ्ट देखने को मिले जो कि काफी ज्यादा लोगों की वॉन्ट्स है। अब यामाहा को तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। यामाहा आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक बाइक तो आप लोगों के दिमाग में जरूर रिकॉर्डेड होगी जिसका नाम था RX 100। RX 100 को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ऐसी बाइक जो कि आज भी इस बाइक के दीवाने इस बाइक को खरीद करके रीस्टोर करा करके चलाना पसंद करते हैं। तो आप सोचो कि यामाहा की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा जबरदस्त है। वैसी ही एक लेजेंड बाइक हम बात कर रहे हैं यामाहा की R15 के बारे में। फर्स्ट जनरेशन इस बाइक की लॉन्च हुई थी जिसे उतना लोगों ने नहीं पसंद किया। सेकंड हुई बहुत लोगों ने पसंद किया बहुत नहीं, लेकिन जब से थर्ड जनरेशन लॉन्च की गई इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक ने तबाही मचा दी। मतलब अपने सेगमेंट टू सेगमेंट और साथ ही साथ अपने से बड़े सेगमेंट की बाइक तक को नहीं छोड़ा। कहने को तो ये जरूर 155 cc की बाइक थी लेकिन ये 200-200 cc की बाइक को भी बहुत अच्छी टक्कर देती थी। यहाँ पर आपको 19 bhp पहले मिला करता था पर जैसे ही BS6 के नॉर्म्स आए बाइक की पावर्स कम हो गई। अब यहाँ पर लोगों की डिमांड है कि कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों को चाहिए R15 V4 में, और बहुत ही जल्द कंपनी R15 V4 को लॉन्च करेगी इंडियन मार्केट के अंदर और इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यामाहा ने अपनी हाल ही में एक बाइक लॉन्च करी है R7 जो कि देखने में लुक वाइज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। हो सकता है R15 V4 ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इससे सिमिलर हो। अगर बात करें यहाँ पर R15 V4 को लॉन्च करने का रीजन तो भाई वो है लोगों की पब्लिक वॉन्ट्स। बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि इस बाइक को अपडेट मिले। इसको भी लॉन्च हुए कम से कम 2-3 साल होने को आ गए हैं। इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलेगा वो देखने को तो सेम मिलेगा 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 कंप्लाइंट, मगर यहाँ पर पावर को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। लगभग आप लोगों को 20 bhp तक का मैक्सिमम पावर 10,000 rpm पे मिल जाएगा। 14.1 Nm का टॉर्क 8,500 rpm पे मिलेगा। 6 स्पीड का गियरबॉक्स इस बाइक के अंदर पहले से ही आता है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को प्राइस के बारे में ही बता देता हूँ। इस बाइक की प्राइस आप लोगों को ऐसा लगेगा जब आप इस बाइक को खरीदने जाएंगे कि इसके अंदर R100 का प्राइस भी बैठ रहा है जो कि 200 cc की बाइक है, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। मगर बहुत से यामाहा फैंस सिर्फ और सिर्फ लेंगे यामाहा की ही बाइक। इस बाइक की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है लगभग 1,58,000 से 1,60,000 एक्स शोरूम बैठने वाली है ये बाइक। लॉन्च डेट की बात करते हैं, ये बाइक आप लोगों को दिवाली के फेस्टिव सीजन तक देखने को मिलेगी वरना 2021 के एंड में, क्योंकि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है। लॉकडाउन काफी ज्यादा शहरों में लगे हुए हैं। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तो बाइक्स की टेस्टिंग होगी कैसे, बट फिर भी कंपनीज कुछ ना कुछ अप्रूवल लेकर के बाइक की टेस्टिंग कर ही रही है धीरे धीरे। देखते हैं आगे चल करके क्या होने वाला है क्या नहीं। बात करते हैं बाइक के अंदर चेंजेस के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को जो चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं वो इस गाड़ी के अंदर USD फोक्स जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है और बहुत से लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। काफी बार उनकी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती या फिर लुक्स अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अब आप लोगों को कंपनी फिटेड देखने को मिलेगा। प्राइस इस बाइक का जो इंक्रीज होने वाला है लगभग 5 से 10 हजार रुपए के आसपास में इंक्रीज हो सकता है। आपको काफी हद तक इंक्रीज देखने को मिलेगी, कम से कम 20 से 21 bhp जो कि अमेजिंग होने वाला है। लुक्स में ग्राफिक्स, न्यू कलर्स, न्यू लुक्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि चेंज की जाएगी। यहाँ पर प्लास्टिक क्वालिटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लिया जाएगा लेकिन आपको काफी अच्छी चीजें दी जाएंगी। यामाहा ने शुरू में ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको पता नहीं था कि लोग इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे भी इस बाइक में या फिर नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ खास इसमें प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं हुई थी। बट अब आप लोग जानते हो कि R15 V3 अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप लोगों को हमेशा ही देखने को मिल जाएगी। इस बाइक के यहाँ पर हेडलाइट की क्वालिटी को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही इम्प्रूव करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशन में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, इसकी पेयरिंग में ही चेंजेस आपको ज्यादा मिलेंगे। लेंथ जो होने वाली है वो 1990 mm के आसपास में, विड्थ जो है 725 mm, हाइट जो है वो 1135 mm, व्हील विड्थ जो है वो 1325 mm, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 mm, जो सीट हाइट होने वाली है वो 815 mm के आसपास में मिल जाएगी। माइलेज की यहाँ पर बात करते हैं, लगभग इस बाइक में आप लोगों को 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इस बाइक की एवरेज ही एक ऐसी चीज है जो कि शायद आपको हर स्पोर्ट्स बाइक में नहीं मिल सकती। आप ही बताओ कि ऐसी कौन सी बाइक है जो कि आप लोगों को 150 प्लस की टॉप स्पीड दे दे और माइलेज भी आप लोगों को कम से कम 40 से 45 का दे दे। हाई एंड परफॉर्मेंस और माइलेज भी नॉट पॉसिबल, 45 का एवरेज आप लोगों को
वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉम्पिटिटर्स जो कि मेन है। वैसे तो इस बाइक के सेगमेंट में अगर आप 150 सीसी सेगमेंट में देखो तो इस बाइक को कोई बीट कर ही नहीं सकता, लेकिन प्राइस पॉइंट है जिसमें 150 सीसी में ये काफी ज्यादा कॉस्टलियर है। हाँ, RS 200 से या RC 200 से आप बेशक कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं बाइक के ब्रेक्स और सस्पेंशन टायर्स के बारे में बात करते हैं। ब्रेक जो है वो आपको 282 mm के मिल जाएगी और 220 mm के आप लोगों को रियर में डिस्क जो कि डुअल चेन ABS के साथ आने वाली है। यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना था कि यार भाई B3 के जो रियर वाली ब्रेक है वो उतनी ज़्यादा असरदार नहीं है, तो कंपनी ने ये चीज़ सॉल्व करने का काफ़ी ज़्यादा जिम्मा लिया है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको गोल्डन वैली फूल देखने को मिलेंगे, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, पीछे में आपको कोई भी शॉकर में चेंजेस नहीं मिलेंगे। बात करते हैं टायर साइज, ये पूरी तरीके से एकदम सेम होने वाला है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी टायर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। टायर्स में आपको 100x80 R17 जिसके फ्रंट में टायर, 140x70 R17 जिसके आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे रियर में, जो कि 70 inches अलॉय व्हील्स के साथ आएंगे। फीचर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो फीचर्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाएंगे, जो कि शायद 155cc की किसी बाइक में आप लोगों को ना देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स, USB चार्जिंग, स्लीपर क्लच जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मिलता है, फुल्ली डिजिटल कंसोल, लेकिन इसको थोड़ा और ज़्यादा स्टाइलिश बनाया जाएगा, थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाएगा। ऑल LED सेटअप आपको मिलता है। अब यहाँ पर इंडिकेटर भी आप लोगों को LED मिलेगा, हेडलाइट, टेल लाइट सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो LED ही मिलती है। ये बाइक उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है अगर आप लोगों की थोड़ी हाइट कम है, बट ये बाइक काफ़ी हद तक लाइट वेट है तो आप लोगों को इसको हैंडल करने में कोई भी इशू नहीं होगा, बहुत ही प्यार तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर लोगे। स्विचेबल ABS आप लोगों को इस बाइक के अंदर आ जाएगा और ये बाइक रहने वाली है मुझे लगता है कि 155cc में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त। इस बाइक की प्राइस मैंने आप लोगों को बताई थी 158,000 से लेके 160,000 रुपये के आसपास में, मतलब ऑन रोड पर आप लोग मान लो कि 1,00,000 अगर आप लोगों को 75 तक मिल रही है तो 5,000 रुपये मतलब 180 तक का आप लोग राउंड फिगर मान के चल सकते हो। बाकी भाई लोग इन बाइक्स की हर दिन ही प्राइस बढ़ती रहती है तो मैं वो कुछ कह नहीं सकता, अगर कम होगी तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बढ़ेगी तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोग R15 वर्जन 4 का इंतजार करेंगे या फिर नहीं। मुझे लगता है ये बाइक आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक होने वाली है 155cc में। हाँ, प्राइस को जस्टिफाई जब करेगी जब इसके अंदर आपको थोड़ा सा पावर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग RS 200 को लेना पसंद करेंगे, RC 200 जो न्यू जनरेशन आने वाली है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।